Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID and nowadays we are discussing over issues of primary education, or you can say problems of primary education, in which earlier I have discussed universalization of elementary education, that is UEE. And today I am going to discuss work experience in primary education. The lecture will be in bilingual mode and it will be useful for you for your competitive teaching examinations as well as for your general BA, MA and professional BA, DEMET courses. So let's start. First of all, work experience. जब हम इसको जानते नहीं हैं, जब हमने इसको लिटरेचर में नहीं पढ़ा होता है, तो हम कॉमन सेंस के तौर पे समझते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस है कि हमको काम का अनुभव हो. और जनरली अगर बच्चों से पूछा जाता है ये सवाल, तो वो बताते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमको काम का अनुभव होना चाहिए. अगर काम का अनुभव होता है तो हम अनुभवी होते हैं, तो हम बढ़िया काम करते हैं. इस तरीके की जनरल बातें वो करते हैं. लेकिन हमको पता होना चाहिए कि वर्क एक्सपीरियंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे कमीशन्स ने रिकमेंड किया है कि ये प्राइमरी एजुकेशन, या आप कह सकते हैं कि इन जनरल सेकेंडरी एजुकेशन तक इसका इनकल्केशन होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में. ये बात दूसरी है कि ये कंसेप्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा लोग इससे परिचित नहीं हैं. पर क्योंकि ऐसा कंसेप्ट आया और अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए इसके बारे में हमको पता होना चाहिए. तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि किस कमीशन ने सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस की बात की थी. ये आपके कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जामिनेशंस का प्रश्न है, तो इसका एग्जाम आंसर है कोठारी कमीशन. ओके, सो द कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिन एजुकेशन कमीशन कंसीव्ड वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम WEP. मतलब इन्होंने WEP की बात की, वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम की बात की. एज उन्होंने कहा, क्या है वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम? पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क. वो कह रहे हैं कि जब किसी उत्पादित किसी ऐसे काम में जिसमें कुछ उत्पादन हो रहा हो, उसमें हम अपनी प्रतिभागिता करते हैं, वो स्कूल में हो या इन दी होम, वो किसी वर्कशॉप में हो सकता है, किसी फार्म पे हो सकता है, किसी फैक्ट्री में हो सकता है, या किसी भी प्रोडक्टिव सिचुएशन में अगर हम किसी प्रोडक्टिव वर्क में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम है. It recommended that work experience which includes purposive and meaningful manual work, यानी कि हम ऐसे ही नहीं कि घूमते टहलते गए और हमने कुछ कर दिया. Purposive है, उद्देश्यपूर्ण है, कुछ सोच के include किया गया है. और meaningful है, यानी हम निरर्थक कोई काम नहीं कर रहे, अर्थपूर्ण है, उससे कुछ कुछ रचना होनी है. Should be an essential component of all stages of education. मतलब न सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में, बल्कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर ये एक essential component होना चाहिए. It should inculcate in the learners a respect for manual work, values of self-reliance, cooperativeness, perseverance, helpfulness, work ethics, attitudes and values related to productive work and concern for the community. अगर ऐसा होगा तो ये क्या कर सकता है, मतलब विद्यार्थियों में क्या इनकलकेट कर सकता है? काम के प्रति सम्मान की भावना, खुद को वैल्यू देना, दूसरों के संग मिलके कैसे काम करना है, दूसरों की मदद कैसे करनी है, वर्क क्या एथिक्स होते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है काम के प्रति, है ना, क्या हम वैल्यू देते हैं प्रोडक्टिव वर्क को, और हम समुदाय के प्रति हमारा क्या कंसर्न है, ये सब इनकलकेट हम कर सकते हैं अपने लर्नर्स में. Work experience program was introduced from class 5th to 8th with the objective to provide for building up proper attitudes towards work. मतलब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम यानी WEP को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका वर्क यानी कि काम के प्रति प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप हो, उनके अंदर हम वर्क वैल्यूज डेवलप कर सकें, और हैबिट्स इम्पार्टिंग नेसेसरी नॉलेज रिलेटेड टू वर्क, और जो भी कुछ मैनुअल वर्क के काम से रिलेटेड आदतें हैं वो उनमें डेवलप की जा सके, एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट वर्क स्किल्स, है ना, और काम के कौशल उनमें डेवलप किए जा सके, विच कैन हेल्प द चिल्ड्रेन टू बिकम प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट इन मीटिंग देयर डे टू डे नीड्स एंड दोज ऑफ देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्टिव बनेंगे और अपने रोजमर्रा के कामों की आवश्यकताओं में अपने प्रोडक्टिव बनेंगे, मतलब कर सकेंगे अपना काम, उनका कुछ काम करने की आदत होगी तो, और इसी तरह से परिवार और समुदाय के लिए भी वो लाभप्रद होंगे. ठीक है, और क्या है, द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क. मतलब एक फ्रेमवर्क बनाया गया था 1976 में, करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल. सब लोग जानते हैं कि कोठारी कमीशन 1964 में आया, 66 में रिपोर्ट सबमिट हुई, यानी कि 10 साल बाद
वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम के कंसेप्ट के इंट्रोड्यूस होने के 10 साल के बाद डेवलप बाई एनसीईआरटी. एनसीईआरटी ने एक 10 ईयर स्कूल फ्रेमवर्क बनाया, इंक्लूडेड WE एज एन इंटीरियर कॉम्पोनेंट ऑफ स्कूल करिकुलम एंड प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द कंट्री. और एनसीईआरटी ने याद रखा वो कंसेप्ट की कोठारी कमीशन ने वर्क एजुकेशन का, वर्क एक्सपीरियंस का कंसेप्ट दिया, और उसने उसको अपने फ्रेमवर्क में हिस्सा दिया और कहा कि पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए. WE वॉज लेटर रीनेम्ड एज SUPW. हम लोगों में से बहुत से लोग वर्क एक्सपीरियंस का नाम नहीं जानते होंगे पर SUPW का जानते होंगे. SUPW यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क. और जनरली बच्चे SUPW जानते हैं पर उसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क. और ये किसने कहा? ईश्वर भाई पटेल कमेटी आई 1977 में उसने, मतलब 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी बनी, उसने वर्क एक्सपीरियंस के नाम को SUPW के नाम से प्रपोज किया. इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ पर्पजिव मीनिंगफुल वर्क रिजल्टिंग इन आइदर गुड्स और सर्विसेज विच आर यूजफुल टू द कम्युनिटी. और इसको इसने किस तरह से डिस्क्राइब किया, वर्णन कैसे किया SUPW का? ये उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्य है जिससे कि हम कुछ ना कुछ उत्पादित करेंगे, कोई सामान कोई सेवा जो कि हमारे कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो, है ना, सोशली यूजफुल यानी कि समाज के लिए उपयोगी उत्पादित कार्य, है ना. इट वॉज सजेस्टेड दैट दी स्टूडेंट्स कैन चूज फ्रॉम ए नंबर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एक्टिविटीज लाइक नीटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कार्पेंट्री एंड अदर क्राफ्ट. ये प्रपोज किया गया, सजेस्ट किया गया कि बहुत सारे आप बच्चों के सामने ऑफर रखिए और उनमें से वो कुछ चुने जो उनकी रुचि का हो, जैसे कुछ बुनाई, कुछ माली का काम, कुछ कुकिंग, कोई पेंटिंग का काम, कुछ बढ़ई गिरी का काम और कुछ भी इस तरह का क्राफ्ट. The implementation of WE/SUPW and also pre-vocational education program in schools has been far from satisfactory because of various reasons. मतलब कि ये बिल्कुल भी संतोषजनक तरीके से नहीं चला विद्यालयों में. इसके बहुत सारे कारण रहे, जैसे कि नॉन एलोकेशन ऑफ सफिशियंट टाइम इन द स्कूल टाइम टेबल. आप जब स्कूल टाइम टेबल में इसका टाइम ही नहीं देंगे तो किस क्लास में इसके बारे में बात की जाएगी, पढ़ाई मतलब किस काम क्लास में बच्चे किस टाइम पीरियड में कुछ करेंगे. नॉन एग्जामिनेबल नेचर ऑफ द कोर्सेज, एक तो था कि भाई इन कोर्सेज का एग्जाम नहीं होगा. इनसफिशियंट फंड्स, स्कूलों के पास फंड नहीं है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर्स, कौन सिखाएगा ये सब. एंड रॉ मटेरियल, और कच्चा सामान भी नहीं मिला, है ना. तो ये सब की कमी की वजह से जो वर्क एक्सपीरियंस या SUPW का प्रोग्राम था वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री रहा हमारे विद्यालयों में, ठीक है. फिर कोठारी कमीशन क्या कहता है वर्क एक्सपीरियंस पे, इसी का दिया वो कंसेप्ट है. वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन. कोठारी कमीशन ने कहा है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का, मतलब एजुकेशन इसके बिना नहीं संपादित प्रतिपादित की जाएगी. जनरल एंड वोकेशनल, मतलब सामान्य शिक्षा में भी और आपकी जो वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा है, दोनों का ये इंटीग्रल कॉम्पोनेंट होना चाहिए. द स्कूल एंड द कम्युनिटी शुड बी ब्रॉट क्लोजर together, closer through suitable programs of mutual service and support. उसने कहा कि जो समुदाय है और जो विद्यालय है वो इसके थ्रू एक दूसरे के, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन should accordingly become an integral part of education. वो कह रहे हैं कि work experience दीजिए आप बच्चे को, उसे कुछ NCC, NSS के काम करवाइए जिसमें कुछ community service हो, तो ये सब हमको अपनी education का integral part बनाना है. Emphasis in these programs should be on self-help, character formation and on developing a sense of social commitment. यानी कि बच्चे के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि उसको समाज के प्रति भी उसका कोई commitment है और उसको समाज के प्रति उत्पादन के कार्य में अपना सहयोग देना है. The Kothari Commission suggested education and productivity as one of the national objectives of education. ये बात खास ध्यान देनी होगी है, क्योंकि कोठारी कमीशन ने हमको ये सुझाया कि शिक्षा और उत्पादकता ये जो है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, यानी कि शिक्षा का ये राष्ट्रीय उद्देश्य है. इसलिए ये बार बार एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस का कंसेप्ट दिया. If education is related to productivity, an expansion of education will lead to increase in national income. इन्होंने कहा कि अगर आप शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ेंगे तो हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं. Work experience has to be introduced as an important aspect of education and may be oriented towards technology and industrialization. And दोनों जगह एंड एंड में डी नहीं है.
the application of science and production process including agriculture, है ना. वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी आप उसमें इनकल्केशन कर लीजिए, आप उसमें कृषि को भी जोड़ लीजिए. एजुकेशन पर्टिकुलरली एट द सेकेंडरी स्टेज इंक्लूड्स वोकेशनलाइजेशन. और कोठारी कमीशन ने कहा कि जो द्वितीयक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी उसमें जरूर व्यवसायीकरण को आपको जोड़ना होगा. ठीक है, फिर है ये कंटेंट कि किस क्लास में क्या पढ़ाया जाए, है ना. तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक या फोर्थ या फिफ्थ तक जो लोअर प्राइमरी क्लासेस हैं उसमें क्या दिया जाए वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे बच्चों को. तो द एजुकेशन कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइमरी लोअर क्लासेस शुड टेक द फॉर्म ऑफ सिंपल हैंडवर्क. वो कह रहे हैं आप उनको छोटा मोटा काम सिखाइए, साधारण, जैसे कि पेपर कटिंग हो सकता है, कार्डबोर्ड वर्क हो सकता है, क्ले मॉडलिंग हो सकता है, स्पिनिंग हो सकता है, सिंपल नीडल वर्क हो सकता है, सिंपल प्लांटिंग एंड किचन गार्डन, मतलब कार्डबोर्ड का काम, मिट्टी, आजकल क्ले मिलता है ना बच्चों को, उससे कुछ बनाना, है ना, सुई का साधारण काम, छोटा मोटा प्लांटिंग का काम, किचन गार्डनिंग का काम, इस तरीके से. तो टीचर्स शुड बी इनकरेज्ड एंड गिवन गाइडेंस रिगार्डिंग कोरिलेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज विद लेसन्स इन साइंस एंड अरिथमेटिक. ये खास है, वो कह रहे हैं कि आप उनको इस तरह से सिखाइए कि विज्ञान और गणित, मतलब ये जो एक्टिविटीज, जैसे आज हमने इतने पौधे लगाए, कल कितने पौधे लगाए, तो जोड़ सीख लेगा बच्चा, है ना. आज इस पौधे में इस कलर का फूल आया, दूसरे तरीके का भी आ सकता है, तो साइंस सीख लेगा बच्चा. तो इस तरह से हमने जो उनको एक्टिविटीज करा रहे हैं उसको उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी जोड़ के चलना है. फिर वर्क एक्सपीरियंस इन दी हायर प्राइमरी क्लासेस. तो हायर प्राइमरी जैसे कि फोर्थ फिफ्थ से लेके सिक्स सेवेंथ एट तक क्या बताया जा सकता है कि एट दिस स्टेज द कमीशन हैज रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस वर्क एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग क्राफ्ट्स. वो कह रहे हैं यहाँ पे आप उनको क्राफ्ट सिखा सकते हैं, जैसे कि बांस का कोई काम, कोई लेदर का काम, पॉटरी का काम, नीडल वर्क, गार्डनिंग, मॉडल मेकिंग एंड वर्क ऑन फार्म. ठीक है, ये सब आप सिखाइए. और लोअर सेकेंडरी क्लासेस यानी कि टेंथ, सॉरी सेवेंथ एट्थ से लेके टेंथ तक, जो टेंथ टू ट्वेल्थ होता है वो हायर सेकेंडरी होता है. तो उसमें कह रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस इन दिस स्टेज शुड बी प्रोडक्टिव, इट शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन रियल लाइफ सिचुएशन. वो कह रहे हैं कि आप उनको रियल लाइफ सिचुएशन में सिखाइए. इट मे ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप ट्रेनिंग, कोई आप इसके लिए वर्कशॉप करा सकते हैं. द रेंज ऑफ पॉसिबल एक्टिविटीज विच कैन बी अडॉप्टेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव वर्क एक्सपीरियंस इज एनॉर्मस एंड चॉइस विल बी डिटरमाइंड मेनली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स. वो कह रहे हैं कि आप उनको रियल लाइफ सिचुएशन में सिखाइए और इनॉर्मस आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप कहाँ कब कैसे सिखा सकते हैं. डिपेंड ये करता है आपके पास क्या रॉ मटेरियल है और आपके पास कैसा ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर उपलब्ध है. तो ये तो कंटेंट की बात हुई. ये भी एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन के द्वारा ही दी गई रिकमेंडेशन है. ठीक है, फिर लाभ क्या होगा अगर वर्क एक्सपीरियंस हम बच्चे को देंगे तो एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाभ हैं इसके, यानी कि शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक. सॉरी, हाँ, the following remarks made by Mr. M. D. Mobley, Executive Secretary of the American Vocational Association, in one of his reports on the economy of the underdeveloped countries. मतलब अमेरिका के वोकेशनल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे एमडी मोबले एक बार कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड विदेश हैं उनके लिए क्या कहते हैं. आई एम कन्विंस्ड दैट वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दे हैव लो लिविंग स्टैंडर्ड्स इज द एटीट्यूड ऑफ देयर एजुकेटेड लीडर्स टुवर्ड्स वर्क विद हैंड. वो कहते हैं कि मैं इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि क्या कारण है कि जो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड लो है, बिकॉज वहाँ जो पढ़े लिखे नेता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हाथ से किए गए काम को बहुत लो स्टैंडर्ड का समझते हैं, है ना. एजुकेटेड इंडियंस विल हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मैनुअल वर्क. और वो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो शिक्षित भारतीय हैं, उनको काम के प्रति, हाथ से किए जाने वाले काम के प्रति अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है. एवरीबडी टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशियंसी एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, बट हार्डली कॉन्क्रीट स्टेप्स हैव बीन टेकन. इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम कैन हेल्प अ लॉट इन अचीविंग दिस गोल्स. वो कह रहा है कि बहुत लोग बहुत बात करते हैं कि सेल्फ सफिशियंसी, मतलब हम उत्पादकता, हम खुद उत्पादित करें, इसकी बात करते हैं, और बात करते हैं कि ये गैप खत्म होना चाहिए मैनुअल यानी कि हाथ से किए जाने वाले काम और बौद्धिक काम के बीच में, लेकिन इसके लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाता. लेकिन वो कह रहे हैं अगर वर्क एक्सपीरियंस का आप प्रोविजन रखेंगे तो आप इस गोल को पा सकते हैं. ठीक है, फिर फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेटर कॉन्क्रीटनेस एंड रियलिटी कैन बी गिवन टू द नॉलेज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन थ्रू वर्क एक्सपीरियंस. चूंकि कहा गया है करके सीखना, यानी कि जब हम करके सीखते हैं तो हमारी रियलिटी और कॉन्क्रीटनेस हम पे ज्यादा होता है. नॉलेज दस गेन विल बी रिलेटेड टू लाइफ. इस तरह से जब हम सीखते हैं तो ज्ञान जो है वो जीवन से जुड़ा होता है.
साइकोलॉजिकली क्या है, वर्क एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिलीव्स द चिल्ड्रन फ्रॉम द टायरनी ऑफ ए प्योरली एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल लर्निंग। वो कह रहे हैं कि वही पढ़ते 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 बच्चा थक जाता है, तो उससे निकलने का एक मार्ग उसको प्रशस्त करता है क्या, वर्क एक्सपीरियंस। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस विल प्रोवाइड वाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द चिल्ड्रन। सभी बच्चे समुदाय में, समाज के कामों में अपना हेल्प कर सकते हैं, तो ये उनसे जुड़ने का मौका उसको प्रदान करता है। इट विल हेल्प टू ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग बैरियर्स ऑफ प्रेजुडिस बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क। इट विल पॉजिटिवली हेल्प टू कल्टिवेट अ ट्रू सेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, है ना, मतलब श्रम के प्रति सम्मान की भावना इससे जागृत होगी। इकोनॉमिकली कंसिडर्ड, वर्क एक्सपीरियंस एट अ लेटर स्टेज विल इनेबल द पीपल्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एज वर्कर्स। दे विल हैव अ फेथ इन प्रिसीजन एंड परफेक्शन। वो बढ़िया काम कर पाएंगे, परफेक्टली काम कर पाएंगे, वो अच्छे प्रोडक्टिव मेंबर सोसाइटी के बन पाएंगे अगर उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस को अपनी स्कूल लाइफ में महसूस किया है, फील किया है, किया है तो। वर्क एक्सपीरियंस विल ऑल्सो हेल्प देम टू यूटिलाइज देयर लेजर एडवांटेजियसली। उनका खाली समय का सदुपयोग अच्छे से हो सकता है। बट हियर इट मस्ट बी क्लियरली एम्फसाइज दैट द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट शुड नेवर बी अलाउड टू टेक प्रिसीडेंस ओवर द एजुकेशनल एस्पेक्ट। कह रहा है कि सारी बातें सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है हम उसको एजुकेशनल एस्पेक्ट के ऊपर स्थान दें, यानी कि हमेशा एजुकेशनल एस्पेक्ट ऊपर रखना चाहिए, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट तो साइड बाई साइड हो ही जाएगा, ठीक। फिर वो कह रहे हैं बिहेवियरल चेंजेस अमंग पीपल्स, यानी कि अगर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम बच्चा उसमें शामिल होगा स्टूडेंट, तो उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा। नॉलेज टू बी गेन्ड, यानी उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। किस ज्ञान की प्राप्ति होगी? रोल ऑफ प्रोडक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। जानेगा कि राष्ट्र के विकास में प्रोडक्शन का कितनी बड़ी भूमिका है। द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन। वो ये भी जानेगा कि प्रोडक्शन को हम कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से और बेहतर कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कैसे औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति ने किस तरह से टेक्नोलॉजी ने बदल दिया सब कुछ, है ना। फिर इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन पे टेक्नोलॉजी का क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट है। प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रोल ऑफ पीपल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी कि जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं, उनका राष्ट्र के विकास में क्या योगदान है, हमको कैसे सेफ्टी के संग प्रिकॉशन लेते हुए काम करना चाहिए, और कौन से कारक हैं जो प्रोडक्टिव इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड, कौन कौन सी योग्यताएं उसमें विकसित हो जाएंगी। लोकेट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गड़बड़ी है, वो लोकेट कर सकता है। डिजाइन एक्सपेरिमेंट और प्रोडक्शन फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो कोई खुद डिजाइन बना सकता है कि हम ऐसे करके देखते हैं शायद ऐसे बेहतर हो जाए। सेलेक्ट द एपरेटस और टूल फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो उसने परिकल्पना बनाई है उसके परीक्षण के लिए वो कोई एपरेटस चुन सकता है। एक्चुअली टेस्ट द हाइपोथेसिस, वो एक्चुअली टेस्ट करके देख सकता है। इवेलुएट द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की प्रक्रिया का वो मूल्यांकन कर सकता है और फीडबैक दे रिजल्ट्स, यानी और फिर फीडबैक उसको दे सकता है कि हमने बढ़िया काम किया कि नहीं, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई वो सही सिद्ध हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। यानी कि ये योग्यताएं उसमें डेवलप होंगी अगर वो वर्क एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होगा तो। फिर एटीट्यूड्स टू बी कल्टिवेटेड, दे शुड रियलाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ वाइटल रोल इन रेजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन, है ना, कि हर इंडिविजुअल का रोल है। एवरी टाइप ऑफ वर्क, हर काम जो है वो राष्ट्र की उन्नति में मतलब कंट्रीब्यूट करता है। रेस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्कर, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना का एटीट्यूड डेवलप होना। हर काम को मेथोडिकली करना, किसी भी प्रकार के वेस्टेज से बचना, और इंटरेस्ट क्या उसके जागृत हो सकते हैं, रेजिंग द प्रोडक्टिव, यानी कि हमें ये रुचि हो कि हम देश के उत्पादन में सहयोग करेंगे। Taking full advantage of science and technology in improving vocation and daily life and living in cooperation with others, ये सारी रुचियाँ उसमें जागृत होंगी। ये behavioral change आ सकते हैं pupils में अगर हम उनको properly work education work experience program का हिस्सा बनाएं तो। फिर work experience in other countries, क्या ऐसा है कि सिर्फ भारतवर्ष में इसकी बात होती है? नहीं। In almost all the advanced countries of the world, work experience has become an integral part of education in primary and secondary stages. यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर लगभग देश विश्व के सभी advanced countries में ये हमारे शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहता है। In the socialist countries, the work experience program is based upon the educational and political ideas of Marx and Lenin. जो socialist देश हैं उनमें मार्क्स और लेनिन ने इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। मार्क्स क्या कहते हैं कि एजुकेशन एंड फिजिकल कल्चर बी कंबाइंड विद मैनुअल लेबर एंड मैनुअल लेबर बी कंबाइंड विद एजुकेशन एंड फिजिकल कल्चर, यानी कि हाथ से किए जाने वाला श्रम शिक्षा में और फिजिकल कल्चर से जुड़ के चलना चाहिए। रशिया में
practical education was introduced during the second half of the 19th century by Victor de la Voz. Polytechnic education is the backbone of the education system in the socialist countries. USA, UK और West Germany में भी work experience जो है वो स्कूली विद्यालयी शिक्षा का हिस्सा है. समझे आप कि वर्क एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये हम इसको अपना नहीं पाए. इसके हिसाब से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में चेंज नहीं कर पाए और आज भी मैनुअल वर्क और इंटेलेक्चुअल वर्क में अंतर है और हम मैनुअल वर्क को कमतर समझते हैं और हम पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा कर रहे हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था से. ठीक है, तो थैंक यू. I have completed a very important topic under problems of primary education, that is work experience, concept of work experience. And don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too. Okay, I have done from my side.